ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों के तीसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए। हालांकि मौसम दिन भर खराब रहा, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। नवरात्र के तीसरे दिन ज्वालामुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में मां ज्वाला का पूजन किया जा रहा है। ये देवी सभी को वर देने वाली है। ज्वालामुखी में सुबह से ही मौसम खराब रहा, काले बादल दिन भर छाए रहे। ज्वालामुखी मंदिर में आए हुए श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि वो तीसरे नवरात्र में ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन ने काफी अच्छा इंतजाम किया है, जिससे उनको दर्शन करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हम लोग ज्वालामुखी मंदिर आए हैं, नवरात्रि का तीसरा दिन है और मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, सब बढ़िया। मंदिर प्रशासन का कैसा इंतजाम है? बहुत बढ़िया इंतजाम है। पंजाब से आए बुजुर्ग श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में बुजुर्गों के लिए पहली बार दर्शनों के लिए अलग से सुविधा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का ये कार्य सराहनीय है। आप तो आए हैं जी महामाई के दर्शन करने वास्ते, सानू कोई परेशानी नहीं हो रही, ते इत्थे बहुत वधिया इन्होंने बनाया है बुजुर्गों वास्ते लंगर लई मत्था टेकण लई। असीं बहुत बहुत इन्हां दे धन्नवाद हाँ कि इदां दा महामाई के दर्शन बहुत वधिया करा रहे हैं, इत्थे बहुत वधिया प्रोग्राम है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।